रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि माह रमज़ान का बाबरकत महीना है, इसमें जो है हम अफ्तारी के लिए जो है बहुत सारी चीज़ों का एहतमाम करते हैं, और उस एहतमाम में जो है हम जो फ्राई वाली चीज़ें होती है यानी तली हुई चीज़ें जैसे समोसे हो गए, पकौड़े हो गए, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, और उनके लिए जो ख़ास पुदीने की चटनी होती है सब्ज़ पुदीने की, तो वो लाजमन बनाई जाती है। जब भी व्यूअर्स हम इस चटनी को बना के रखते हैं तो वो 2 दिन बाद जो है बहुत ज़्यादा काली हो जाती है। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ इस तरह की टिप शेयर करूँगी कि हम अगर इसको 10 से 15 दिन के लिए भी फ्रीज़र में स्टोर करके रखेंगे तो ये हमारी उसी तरीके से ही फ्रेश रहेगी। जब भी आप इसको निकालेंगे फ्रीज़र से, ये फ्रेश ही रहती है। बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक टोकरी जो है पुदीने की ली है और इसको अच्छे तरीके से मैंने धो लिया है। मेक श्योर ये कर लिया करें कि इसमें कोई भी जो पत्ता है वो ख़राब ना हो, ठीक है। सेकंड, यहाँ पे मैंने जो है तीखी वाली जो है 4 से 5 सब्ज मिर्चें ली हैं। आप चाहें तो नॉर्मल वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में 2 मोटे जो है मैंने लहसुन के जबे लिए हैं, और एक ही टोकरी जो है जो मैंने पुदीने के लिए, उतनी ही टोकरी मैंने धनिए के लिए है। अब हम इसको जो है साथ साथ अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बनाएंगे। ये चटनी तो हम बना लेंगे, लेकिन हम इसको स्टोर किस में करेंगे, सबसे मेन चीज़ ये होती है। तो मैंने ये जैम वाली शीशी ली है। आपको, आप जब भी जैम लाते हैं तो ये शीशे जो है आप धो के रख लिया करें। इसमें आप कोई भी चीज़ जो है जैसे मसाले हो गए या कोई भी इस तरह की चटनियाँ होती हैं वो ईजीली आप इसमें जो है स्टोर कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैं नमक का भी इस्तेमाल करूँगी। जब मैं इसको हाफ पीस लूँगी तो फिर मैं नमक डालूँगी। इसको पुदीने को मैंने अच्छे तरीके से 3 पानी में धो लिया था, क्योंकि पुदीने के ऊपर जितनी भी डस्ट या रेत वगैरह होती है वो उतर जाती है। सब्ज मिर्चें, लहसुन और धनिया। ये ज़्यादा चटनी तो मैंने इसको पत्थर वाली दुबली के अंदर डाली है, और इसी के अंदर जो है इसका पेस्ट बना रही हूँ। और देखें, आधे से ज़्यादा मैंने पीस लिया है। अब मैं इसमें जो है ये 1 टीस्पून नमक डाल दूंगी और इसको अच्छे तरीके से इस तरह से मसलेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से ये पेस्ट बन चुका है। अब मैं इसको जो है जैम वाली शीशी के अंदर डालना स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए, ये इसका पानी निकल रहा है। ये नमक डालने से पानी निकला है। अगर मैं शुरू में इसके अंदर नमक डाल देती तो ये अच्छे तरीके से इसका पेस्ट न बनता और इसका पानी आ जाता। ये तकरीबन आप 10 से 15 दिन के लिए आप आराम से इजीली इसको स्टोर करके रख सकते हैं फ्रीज़र में। तो सारी मैंने इसमें डाली है जैम वाली शीशी में, और आप हम जो है इसका ढक्कन लगा देंगे। और थोड़ी सी मैंने निकाली है कि अगर आपने जो है राइस बनाए हुए या कोई भी तली हुई चीज़ बनाई होती है तो उसके लिए मैं ये चटनी बना लूँगी। बहुत ही मज़े की चटनी बनती है व्यूअर्स। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारी जो है सब्ज़ चटनी दही वाली तैयार है, बहुत ही मज़े की। आप इसमें बाद में भी अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर सकते हैं। फ्रीज़र में रख दूँगी, और देखें साथ में मैंने जो है लेमन जूस भी जो है वो भी फ्रीज़ करके रखा हुआ है। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड्स में, एंड बेल का आइकन लाजमन प्रेस कीजिएगा। और जाते जाते व्यूअर्स, एक बात मैं और आपसे कहना चाहूँगी कि कमेंट्स में मुझे लाजमन बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आपकी तमाम खुशियाँ, तमाम उम्मीदें अल्लाह ताला पूरी करें।